Hello students, today we will discuss about measurement of time. Let's start. Measurement of time. First, what is time? Time kya hota hai? The real answer was given by the Einstein. According to Einstein, सबसे पहले Einstein ने इसकी करेक्ट डेफिनेशन दी कि टाइम क्या होता है. अकॉर्डिंग टू Einstein, टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स. टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स. Einstein ने क्या बताया कि टाइम क्या है? सिंपली टाइम क्या है? जो एक क्लॉक रीड करती है. ओके, नाउ क्लॉक, टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक. टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक. नाउ व्हाट इज क्लॉक? क्लॉक क्या होती है? क्लॉक सिंपली क्या बोलते हैं? एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इट्सेल्फ रेगुलरली. एनी फिनोमिना That repeats itself regularly can serve as a clock. Can serve as a clock. कोई भी फिनोमिना जो रिपीट होता है, अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लॉक बोल सकते हैं. ओके, तो देखो क्लॉक सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया, टाइम कैसे मेजर किया गया, उसके बाद फिर और चेंज हुए, टाइम को मेजर करने के अलग अलग फिनोमिना आए, और लास्ट में देखेंगे कि एक्यूरेट क्लॉक कौन सी होती है और क्या क्या फिनोमिना आए. फर्स्ट ऑफ ऑल द इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो. The Italian physicist Galileo was the first to attempt a simple method of measuring time. Galileo ने क्या किया? एक simple method से time को measure किया. Okay, measure time by simple method. सबसे पहले इसने एक सिंपल मेथड से टाइम को मेजर किया. कैसे मेजर किया इसने? देखो, गैलीलियो टाइम्ड द ऑसिलेशन ऑफ ए लेंथ हैंगिंग ऑन ए लॉन्ग चेन, हैंगिंग ऑन ए लॉन्ग चेन इन ए चर्च यूजिंग हिज ओन पल्स एज ए वॉच. गैलीलियो ने क्या किया कि एक चर्च थी, उस चर्च पे एक लॉन्ग चेन से एक रिंग लटकी हुई थी. ओके, और उसकी ओसिलेशन को कंपेयर किया अपनी पल्स से और उसको वॉच का नाम दिया. ठीक है, उसके बाद कुछ क्लॉक और डेवलप हुई. उसके बाद तो सबसे पहले गैलीलियो ने सिंपल मेथड से टाइम को मेजर किया. इसने क्या किया? गैलीलियो टाइम्ड द ओसिलेशन ऑफ ए लैंप. गैलीलियो टाइम्ड द oscillations of a lamp hanging on a long chain in a church
इन ए चर्च यूजिंग हिज ऑन पल्स एज ए वॉच। ओके, तो उसने अपनी पल्स से जो ऑसिलेशन थी लैंप की उसको मेजर किया। उसके बाद कुछ क्लॉक और डेवलप हुई बाद में, सम ऑफ द क्लॉक्स डेवलप्ड लेट। उनके बाद कुछ क्लॉक और क्या हुई डेवलप, वो क्या क्या है देखो। फर्स्ट जो क्लॉक थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं इतना, वैसे बस ब्रीफली ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि द मेन एसी सप्लाई इन आवर कंट्री इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमें पता है कि हमारे जो इंडिया में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। द सिंक्रोनियस रोटेशन ऑफ ए मोटर रन ऑन एसी कैन बी यूज टू ऑब्टेन ए टाइम स्केल, कि जो मोटर होती है जब रन करती है तो उसकी जो रोटेशन होती है उन रोटेशन को ही क्या दिया गया, टाइम स्केल का नाम दिया गया और उससे टाइम को मेजर करने लगे। ओके, तो क्या हुआ ये, द रोटेशन ऑफ ए मोटर रन्स ऑन एसी, एसी का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम, या टू ऑब्टेन टाइम स्केल। ठीक है, तो पहले इससे मेजर करने लगा। उसके बाद सेकंड आया इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन क्या होती है देखो, ये आप आगे पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन होती हैं और वो बहुत हाई होती हैं बट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और उन ऑसिलेशन को ही किसके लिए यूज किया गया, स्मॉल टाइम्स को मेजर करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, ए वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ए वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस ऑफ वेरी हाई बट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, एंड द टाइम पीरियड ऑफ सच ऑसिलेशंस, द टाइम पीरियड ऑफ सच ऑसिलेशंस कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्मॉल टाइम इंटरवल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन क्या होती है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर आप आगे पढ़ोगे, थ्री टर्मिनल डिवाइस और वैक्यूम ट्यूब, इनको हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही से हम क्या करने लगे, स्मॉल टाइम इंटरवल को मेजर करने लगे। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्लॉक क्या थी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इससे टाइम को कैसे मेजर किया? एक जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहां से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। व्हेन ए फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड अक्रॉस द फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल देन ऑसिलेटिंग ईएमएफ डेवलप्स अक्रॉस द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। द ऑसिलेशन सो प्रोड्यूस्ड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, व्हेन ए फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फेसेस ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल देन एन ऑसिलेटिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द फेसेस। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर हम किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फेस पे फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई करें तो ऑसिलेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो ऑसिलेशन ही क्या करती हैं, टाइम को मेजर करती हैं। द ऑसिलेशन सो प्रोड्यूस्ड, द ऑसिलेशंस सो प्रोड्यूस्ड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। और इन ऑसिलेशन से ही क्या करने लगे, टाइम को मेजर करने लगे। ओके, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड। लिख देता हूँ मैं एक बार ये पॉइंट, नोट डाल के पॉइंट ध्यान रखना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड इन 10^9 सेकेंड, इन एवरी बोल सकते हो, इन एवरी 10^9 सेकेंड। मतलब हर 10^9 सेकेंड में उसकी एक्यूरेसी क्या थी, 1 सेकेंड थी। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, उसके बाद आई सोलर क्लॉक्स। सोलर क्लॉक्स किसके बेस पे होती हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो टाइम को कैसे मेजर करते थे, तब क्लॉक नहीं थी तब, कि सन की जो छाया होती है, मतलब कि ये देखते थे कि अब छाया है वो इस दीवार पे आ गई तो ये टाइम हो गया, अब छाया यहाँ पे आ गई तो ये टाइम हो गया। तो मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसको क्या करने लगे, वो टाइम्स के अकॉर्डिंग मेजर करने लगे। ओके, सोलर क्लॉक्स वाज बेस्ड ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ
shows that the earth changes slightly from day to day. Rotation of earth changes slightly from day to day. Careful measurements show that the period of rotation of earth changes slightly from day to day. Careful measurement shows that period of rotation of earth changes slightly from day to day. Okay, year to year भी बोल सकते हैं, day to day, year to year. इससे फिर क्या करने लगे, टाइम को मेजर करने लगे. एक्यूरेसी ऑफ मीन सोलर सेकेंड डिफाइंड ऑन द बेसिस बिकम्स क्वेश्चन. मतलब कि इसके बेस पे एक्यूरेसी थी वो क्या बन गई, क्वेश्चनेबल बन गई. तो ये एक्यूरेट क्लॉक नहीं थी. उसके बाद फिर आई एटॉमिक क्लॉक. फिफ्थ पॉइंट, एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती है. ये क्या होती है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम. इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए सीजियम एटम. सीजियम एटम के अंदर जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होती हैं उनके ऊपर बेस होता है ये. इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम. इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन सीजियम एटम. सीजियम एटम के अंदर जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होती हैं उन पे बेस्ड होता है. एटॉमिक क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड सीजियम क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक और क्या बोल सकते हैं हम, सीजियम. एटॉमिक क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीजियम क्लॉक. द फर्स्ट सीजियम क्लॉक वॉज डिजाइंड इन 1960. द फर्स्ट सीजियम क्लॉक वॉज डिजाइंड इन 1960. ओके, सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर एक्यूरेट दैट दे इम्पार्ट अनसर्टेनिटी. दे इम्पार्ट अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन एज प्लस माइनस 1×10⁻³. इसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं वो क्या नहीं करती, 3 माइक्रोसेकेंड इन वन ईयर, एक साल के अंदर 3 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा गेन और लॉस नहीं करती. ओके, तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक क्लॉक का मत इसका रिलाइजेशन, टाइम रिलाइजेशन का जो देखा गया, केयरफुल ऑब्जर्वेशन देखेगी तो उससे क्या पता चला कि एटॉमिक क्लॉक डज नॉट गेन और लॉस मोर देन 3 माइक्रोसेकेंड इन वन ईयर. एटॉमिक क्लॉक डज नॉट गेन और लॉस 3 माइक्रोसेकेंड इन अ ईयर. ओके, एक साल के अंदर 3 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा गेन और लॉस नहीं होता है इनके अंदर. ओके, तो ये सिंपल आपको ध्यान रखनी है ये कि क्या क्या थी. वैसे ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपल ध्यान रखो क्या क्या क्लॉक थी और कैसे पहले टाइम को मेज़र किया गया. ओके, इसमें ज़्यादा और ध्यान नहीं रखना है आपको.
तो आप सिंपली ध्यान रखो, ए क्लॉक कैन बी रोटेशन ऑफ अर्थ, ए पल्स काउंट, द थिकनेस ऑफ जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और द मेजर्ड वाइब्रेशन ऑफ ए सीजियम एटम। ओके, तो ये सब क्या है, क्लॉक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो एटॉमिक क्लॉक होती है सीजियम क्लॉक, ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक होती है। ठीक है, ये एटॉमिक क्लॉक देखो 3 माइक्रोसेकंड इन ए ईयर, तो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कौन सी होती है, सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक, ध्यान रखना, मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है, सीजियम और एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, तो ये पहले टाइम को मेजर करने के लिए यूज जो चीज़ें करते थे उनके बारे में डिस्कस किया हमने। अब करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स रिलेटेड टू टाइम। नाउ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, हमने पहले भी पढ़ ली थी ये, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें SI सिस्टम से जो आउटसाइड में है बट इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने कुछ पहले भी बता दी थी। अब देखो, टू मेजर टाइम्स लार्जर देन ए सेकेंड, फर्स्ट है टू मेजर टाइम लार्जर देन ए सेकेंड, उनके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड क्या क्या यूज करते हैं। देखो यहाँ पे होगी फर्स्ट पॉइंट आपका मिनट, ये आपको पता है 60 सेकंड होती हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड पॉइंट 1 आवर 3600 सेकंड, पढ़े हुए सारी चीज़ें आप, ठीक है, 3600 सेकंड या 60 मिनट। थर्ड पॉइंट वन डे के अंदर 24 आवर होते हैं, ठीक है, और 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाएंगी, 24 × 3600 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8.64 × 10⁴ सेकेंड, ठीक है, या 86400 ये बोल सकते हो, 86400। फोर्थ पॉइंट 1 ईयर 365 डेज होते हैं, ठीक है, 365 पॉइंट में बोलते हैं, वैसे आप पॉइंट में ध्यान रखो 365.25 डेज, और अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अंदर सेकंड आ जाएंगी वो, ठीक है, 365.25 × 8.64 × 10⁴ इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.156 × 10⁷, 3.156 × 10⁷, या ये बोल सकते हैं 3.14, ये क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसको ये भी बोल सकते हैं π × 10⁷ सेकंड, नियरली इक्वल टू वैल्यू है, ठीक है। फिफ्थ, चलो नेक्स्ट में देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट वन डिकेड का मतलब 10 ईयर, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर, 1 ईयर में हमें पता है 3.156 × 10⁷ होती हैं, तो 10 × 3.156 × 10⁷, तो कितनी होगी, 3.156 × 10⁸ सेकेंड, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट वन सेंचुरी का मतलब कितना हो गया, 100 ईयर
हंड्रेड ईयर, तो हंड्रेड इंटू 3.156 इंटू 10^7, 3.156 इंटू 10^9 सेकेंड होगी, ठीक है। सेवंथ, वन मिलेनियम, 1000 ईयर, वन मिलेनियम, 1000 ईयर, 1000 इंटू 3.156 इंटू 10^7, 3.156 इंटू 10^10, 10^3 और 7, 10, 10^10 सेकेंड, ओके। एट्थ पॉइंट, चलो लार्जर मास, लार्जर जो होती है टाइम, लार्जर टाइम को मेजर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, लार्जर देन 1 सेकेंड। अब अगर हमें स्मॉलर देन 1 सेकेंड मेजर करना हो, स्मॉलर देन 1 सेकेंड, टू मेजर टाइम स्मॉलर देन अ सेकेंड, टू मेजर टाइम स्मॉलर देन 1 सेकेंड, तो हम क्या यूज करते हैं, 1 मिली सेकेंड, 10^-3 सेकेंड, सेकेंड पॉइंट, 1 माइक्रो सेकेंड, 10^-6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 10^-9 सेकेंड, और ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, 1 सेक, 1 सेक ये इम्पोर्टेंट है, 10^-8 सेकेंड, तो ये ध्यान रखना, 1 सेक। कई बार पूछा जाता है 1 सेक इज इक्वल टू 10^-8 सेकेंड होता है, ओके। अब देखो रेंज ऑफ टाइम, ये तो मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, अब टाइम की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ टाइम, टाइम को हम किस रेंज में मेजर करते हैं, रेंज ऑफ टाइम क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, टाइम की रेंज क्या होती है। देखो टाइम की रेंज क्या होती है, टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर साइज 10^-22 टू एज ऑफ यूनिवर्स 10^17 सेकेंड, तो टाइम की रेंज क्या होगी, 10^-22 सेकेंड टू 10^17 सेकेंड, 10^-22 क्या है, ये टाइम टेकन टू क्रॉस न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, टाइम टेकन टू क्रॉस द न्यूक्लियर साइज बाय लाइट, 10^17 क्या है, एज ऑफ यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की एज 10^17 सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखना आप यहाँ पे, जैसे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम 10^-15 सेकेंड होते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान रखो, बस यहाँ पे विंक ऑफ आई हमारी पलक जो झपकती है, आई क्लोज होती है, वो कितनी होती है, 10^-1 सेकेंड, ओके। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम मून टू अर्थ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेवल टाइम टेकन फ्रॉम मून टू अर्थ, फ्रॉम मून टू अर्थ, जो लाइट होती है उसको कितना टाइम लगता है मून से अर्थ पे आने के लिए, 10^0 सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन या ट्रेवल टाइम टेकन फ्रॉम सन टू अर्थ,
ये सब लाइट का ध्यान रखना, फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 10^2 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है, अराउंड इट्स एक्सिस, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज इक्वल टू 10^5 सेकेंड, मतलब वन डे के अंदर 10^5 सेकेंड, ओके। ऐसे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड में 10^7 सेकेंड, ओके। और एज ऑफ यूनिवर्स क्या होती है, 10^17 सेकेंड। ये क्या था रेंज ऑफ टाइम। इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, जो जो आपको ध्यान रखनी है क्या क्या होती हैं। देखो वैसे आप प्लस माइनस में देखोगे तो रेंज हम ये भी बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मेनली इसकी रेंज होती है, वो रेंज भी आप 10^-43 के इक्वल बोल सकते हो। प्लैंक टाइम होता है 10^-43, वहाँ से लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन 10^-39 तक होता है, ठीक है। तो ये भी रेंज बोल सकते हो, ध्यान रखना ये रेंज भी। लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन 10^39 सेकेंड, ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स हमें पता है 10^17 सेकेंड होता है, एज ऑफ यूनिवर्स 10^17 सेकेंड, ओके। ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10^9 बोलते हैं, वन ईयर पता है 10^7, वन डे पता है 10^5, पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियरली होती है 10^4, पीरियड ऑफ ए टिपिकल सैटेलाइट 10^4 सेकेंड, ठीक है। और टाइम इंटरवल बिटवीन ह्यूमन हार्ट बीट्स, टाइम इंटरवल बिटवीन ह्यूमन हार्ट बीट्स 10^0 सेकेंड, ठीक है। हमारी हार्ट बीट की जो टाइम पीरियड होता है वो विंग ऑफ आई आपको बता दें 10^-1 होता है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी होते हैं पीरियड ऑफ रेडियो वेव्स, पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल 10^-12 होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव 10^-15 होता है, पीरियड ऑफ न्यूक्लियर कोलिजन 10^-22 होता है। प्लैंक टाइम ध्यान रखो, एक प्लैंक टाइम 10^-43 सेकेंड। तो रेंज को हम ये भी बोल सकते हैं 10^-43 टू 10^13 सेकेंड, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम।